नहीं आ रहा पीछे से आवाज, भारत माता की अशरफ अली या हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद जिंदाबाद। और तुम बात करते हो पाकिस्तान की, तो एक दिन ऐसा मौका आएगा कि कटोरा लेकर घूमोगे। कटोरा क्या लेकर घूमोगे? और एक बात जानो, यह 2.5 किलो का आता है और जिस पे भी पड़ता है ना वो उठता नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं और आप सबों के बीच में आज रात 12 बजे से 1500 के लोग जो है बंद हो जाएंगे। कैसा लगा? बढ़िया लगा? थोड़ा सा और इंटरटेनमेंट हो जाए। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं सर पे ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज तक्षशिला के कैंपस में हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग आजाद हैं, स्वतंत्र हैं और हम अपने विचारों से आजादी भी रखना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर लड़की कहीं जाती है घर से बाहर, तो वह भी कहां जाता है? अब वही लड़कवा जाता है घर से बाहर, हजू बबू भा तो खा लेता कह सके तब जाइए बाहर। सही बात है कि नहीं? लेकिन आजादी सबको मिलनी चाहिए। yes, मिलनी चाहिए कि नहीं? yes, बराबरी सबकी होनी चाहिए। yes, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बराबर होना चाहिए कि नहीं? yes, चांद पे तो लड़का भी गया है, लड़की भी गई है। और अभी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा यूपीएससी आईएएस बीपीएससी कौन निकालता है? कौन निकालता है? डॉक्टर सबसे ज्यादा कौन बनता है? कौन बनता है? आर्मी में कौन जाता है सबसे ज्यादा? इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। क्या बात है, मजा आ गया आप लोगों का बात सुन के। और आज हम लोग आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव में बस हम इतना कहेंगे, कुछ आप लोग याद रखो ना रखो डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता है। बस इतना याद रखिएगा कि जिसके कारण आप लोग, हम लोग, हम सब लोग इस पूरे दुनिया के लोग बैठे हैं या जीवित है, पता है किसके लिए, किसके कारण? कोई बताएगा पीछे से? अपने माता पिता के कारण। हम किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा लाया गया है, किसके द्वारा पैदा किया गया है, किसके द्वारा? एक बार माता पिता के लिए ताली हो जाए।